सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से जो आप लोगों के रिजल्ट हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं कि सर, हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, परीक्षा को हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसा मैं आप सभी को बता दूँ कि पहले ही दो क्लासों के रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, जैसा कि बी कॉम थर्ड ईयर और बी ए थर्ड ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके बाद भी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट है, चाहे वो बी ए का हो, चाहे वो बी ए कॉम का हो, चाहे वो बी एस सी का हो, अभी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का नहीं आ रहे हैं और बीएससी का तो थर्ड ईयर का भी नहीं आया है। तो उसी को देखते हुए यहां पर काफी लोगों का कमेंट है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ओर से अति आवश्यक सर्वोच्च प्राथमिकता की विज्ञप्ति जो है जारी की गई है, और ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जारी की गई है। जैसे ही इस विज्ञप्ति को जारी किया गया, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर ले आया। तो यहां पर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों से जो भी छात्र जुड़े हुए हैं उन लोगों तक ये वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस न हो पाए। तो यहाँ पर देखिए, विषय लिखा गया कि एनईपी के अंतर्गत बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2022 का परीक्षा परिणाम आंतरिक प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा के अंकों के अभाव में घोषित न हो पाने के संबंध में। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये तो एनईपी के लिए है, हम तो ईयरली स्टूडेंट हैं, हमारा क्यों नहीं आ रहा। देखिए, ईयरली स्टूडेंट सभी नहीं होते, कुछ एनईपी के भी हैं और अधिकतर जो छात्र हैं यहाँ पर एनईपी के ही होने वाले हैं। तो एनईपी पर भी यही लागू हो रहा है और विदाउट एनईपी पर भी यही लागू हो रहा है कि भाई, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर है वो अपलोड नहीं किए गए हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कॉलेज की तरफ से, इसी कारण आपका जो रिजल्ट है वो देरी से आएगा। और आगे लिखा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी के अंतर्गत बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2022 की सैद्धांतिक परीक्षाएं संपन्न कराकर मूल्यांकन कराया जा चुका है। अतः इन पाठ्यक्रमों की प्रयोगात्मक तथा मौखिक जो प्रैक्टिकल हुई थी वो सह संपन्न कराए जाने हेतु परीक्षकों के पैनल भी पूर्व से प्रक्षित कर दिए गए थे, किंतु अधिकतर महाविद्यालयों संस्थानों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम के आंतरिक प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा अंक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। अतः महाविद्यालय संस्थानों में आप लोगों से निवेदन है कि प्रथम व तृतीय सेमेस्टर दिसंबर 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः महाविद्यालय संस्थानों प्राचार्य निदेशक से अनुरोध है कि 3 कार्य दिवस के अंतर्गत उक्त वांछित कोड पर अपलोड अंक कर दीजिए, और पाठ्यक्रम का अंक पढ़ने की 2 प्रतियां कुलसचिव प्रति व टेबुलेटर प्रति खिड़की नंबर 4 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुके। तो यहाँ पर देखिए, 3 दिन का समय जो है दिया गया है, यानी कि 3 दिन की अगर हम बात करें तो 23, 24 और 25 तारीख तक का समय जो है यूनिवर्सिटी ने दिया है कॉलेजों को कि भाई, जिन लोगों ने अभी तक अपने प्रैक्टिकल के नंबर अपलोड नहीं किए हैं तो वे सभी अपना प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड कर दीजिए, ताकि हम सभी का रिजल्ट जो है जारी कर दें। तो यहाँ पर 25 तारीख तक का मौका दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि सभी कॉलेज 25 तक जमा करेंगे, 25 तक कुछ ही कॉलेज जो यहाँ पर जमा करेंगे, और अन्य जो कॉलेज है उनके लिए फिर से समय एक बार बढ़ाया जा सकता है, 30 तारीख तक इसको मामले को खींचा जा सकता है। अब 30 तारीख तक तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 30 तारीख तक अगर सभी कॉलेजों के जो प्रैक्टिकल अंक हैं, यानी कि प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो अपलोड हो जाते हैं, तो उसके बाद 1-2 दिन का टाइम यूनिवर्सिटी भी लेगी, लगभग 1 हफ्ते का समय जो है यूनिवर्सिटी लेगी। आज अगर अपलोड होते हैं तो 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि 30 तारीख तक आपके अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि 25 तारीख तक का समय यूनिवर्सिटी ने दिया है और कॉलेज इतने आज्ञाकारी नहीं हैं। अगर इतने आज्ञाकारी होते तो आपके नंबर पहले अपलोड कर दिए जाते, अब तक आपका रिजल्ट भी जारी हो चुका होता। तो यहाँ पर लापरवाही को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाई, आपका रिजल्ट 30 तारीख तक तो आपके अंक अपलोड होंगे, और उसके 1 हफ्ते बाद तक, यानी कि अगले माह के, यानी कि अगस्त के 5 या 6 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए, इसमें पूरा नहीं कहा जा सकता कि भाई अगस्त तक आ ही जाएगा, अगस्त तक का अनुमान है जो हालत इस समय यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की है उसको देखते हुए लगाया जा सकता है। आने को रिजल्ट आपका कल भी आ सकता है, अगर मान लीजिए कल आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके अपलोड हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के अनुसार अगर यहाँ पर चलते हैं तो 1 हफ्ता का समय जो है लगने वाला है, लगभग 4 से 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आपका रिजल्ट आएगा तो आपको सूचित हमारे चैनल के द्वारा कर दिया जाएगा। बस आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपको कोई भी हमारा वीडियो या फिर कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगा।
और जिन छात्रों की यहाँ पर समस्या थी कि भाई हम आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और आपकी वीडियो में नहीं मिल पा रही है, उन लोगों से मेरा एक निवेदन है कि एक बार आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, उसके बाद दोबारा से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। जिन छात्रों का प्रॉब्लम है कि भाई उनको वीडियो नहीं मिल पा रहा है, फिर नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनका प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको वीडियो शो नहीं हो रहा है, तो अनसब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद दोबारा से आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।